हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, किचन से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का यमी यमी सा चिल्ला, जो कि मेरे घर में सभी का फेवरेट है। फेवरेट तो फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन इसमें आज ना एक चीज़ की कमी है, वो है शिमला मिर्च और मटर। तो इन लोग को मटर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह रहती है ना, थोड़ा सा जो है और भी अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने टमाटर, प्याज, धनिया और मिर्ची वगैरह डालकर ही सिंपल सा बनाया है, क्योंकि आज मेरे पास मटर और शिमला मिर्च नहीं था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसका बैटर नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया है। ये लोग एक दो या खाएंगे बस, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो इसके साथ मैंने बनाई है चटनी, ग्रीन चटनी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी भी क्लिप ले ली जाए, और मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाते ना, तो सच में ब्लॉग शुरू ही नहीं हो पाता है। तो बस चलिए फिर नाश्ता बना के उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तभी मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, इनको खाने को नहीं मिला है कुछ, है ना? कुछ नहीं मिला ना, छोड़ दिया, डरता है। और यहाँ पर लीजा बैठी हुई है ना, यहाँ पर अभी की साइकिल इनका इंतजार कर रही है, लेकिन ये चला नहीं रहे हैं। और यहाँ बन रहा मेरा सूजी का चिल्ला। तो आज के नाश्ते में है सूजी का यमी यमी सा चिल्ला, लेकिन इसमें जो है ना सब्जियों की, बहुत सारी सब्जियों की कमी है। स्पेशली मुझे शिमला मिर्च पसंद है, तो उसकी कमी है, वो अभी नहीं थी आज मेरे पास। तो मैंने प्याज, टमाटर और धनिया डालकर ही बनाया है। वैसे भी अच्छा लगता है, बहुत ही यमी लगता है, लेकिन इस टाइम ये हो गया ना, अभी की वजह से हम लोग को तीखा जो है खाने को नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने मिर्ची अलग से कट करी हुई है, इनका दो बना के फिर मैं हम लोग अपने में जो है तीखा डाल लेंगे। ए तुम खाओ, उसको मत खिलाओ। तो चलिए नाश्ता वास्ता बना, अभी हटो, नाश्ता वास्ता बना के उसके बाद फिर जो है मिलते हैं आप लोगों से। नहीं बेटा, नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका था। मैंने कहा क्यों ना अपने फेस का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लें। मैंने सारा काम किया, स्नान ध्यान किया, उसके बाद फिर से मैंने सोचा ना थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने किया नहीं था। तो चलिए आज आपके साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है, उसके बाद फिर मैंने हनी लिया है। तीनों का थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरा क्यूटी बच्चा बीच में बोल रहा है, क्योंकि उसकी टीवी मैंने म्यूट कर दी है और ब्लॉग्स एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और फिर करना क्या है आपको, अपने फेस पर अच्छे से इसको लगाना है। और आप लोग मेरे फेस पर देख पा रहे होंगे, कोई भी दाग धब्बे नहीं है, कुछ भी पिंपल्स वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं यही सारी चीज़ें अपने फेस पर ट्राई करती रहती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैं मार्केट वाला कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हमारे किचन में मिल जाती है ना बहुत आराम से, इन्हीं से मैं जो है कुछ ना कुछ अपने फेस पर जो है ट्राई करती रहती हूँ। तो बस आप लोग मेरा स्किन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लियर है, कोई भी दाग धब्बे नहीं है, मेरी आँखों के नीचे काले घेरे भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर आपको अच्छे से इसको लगाना है, मसाज करना है 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट के लिए अच्छे से आप मसाज कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप लोग एक बार भी करेंगे ना, तो फिर जो है थोड़ा बहुत तो फ़र्क एक बार में दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग हफ्ते में 2-3 बार कर लेते हैं ना, तो ज़रूर फ़र्क इसका दिखेगा आपको। अगर आपकी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको हमेशा करती रहती हूँ और मुझे इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, चलिए अभी इसको जो है नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको अपनी स्किन, एकदम ग्लो करने लगेगी, बहुत ही अमेजिंग सा निखार आता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है फेस पर, जो हमारे काल धूल मिट्टी जम जाती है ना, या हम लोग को हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कुछ भी कर पाने का। तो फिर ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सा मौका है, एक बार ज़रूर करना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए भी कुछ करना चाहिए यार। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है, आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं एकदम क्लियर है, कोई भी दाग धब्बे नहीं है। तो बस आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और मैं ये करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ये छोटा सा वीडियो शेयर किया जाए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल लव यू।